हे गाइस व्हाट्सअप नमस्कार केम छो आदाब सत श्री अकाल वनकम स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज में। एक तरफ मनीषा घर के छत पे जो हमारे घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके साइड वाले घर के छत से चढ़ के तमाम मोर मोरनी को देखे जा रही थी। कितना अच्छा लग रहा था, बहुत सारे पीकॉक्स थे, आई थिंक 20 से ज़्यादा होंगे, कुछ इधर कुछ इधर। बाकी तेज़ हवाओं का रफ्तार, हवा मतलब इतनी तेज़ थी, इतना तेज़ था कि हमारी वॉइस ही नहीं आई और हवा का ही शोर आया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अभी सुन लो, छत से कितना सुंदर व्यू आएगा। और डीएवी कॉलेज, डीएवी हाई स्कूल, डीएवी यहाँ का। और इसके बाद अरे मनीषा तुम्हारा कॉलेज का बिल्डिंग दिख रहा है, देखो कॉलेज का बिल्डिंग दिख रहा है। ये है हमारे घर के छत से ब्यूटी। अभी हम लोग साइड वाले छत पे हैं गाइस, इस पर पता नहीं क्या करने वाले हैं लोग। हमारा जो छत है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अभी चार ईंटें, चार लाइन है ना, अभी दो लाइन और जुड़ेगा फिर उसके बाद छत, ये पूरा छत हो जाएगा। मस्त ऊपर से हमारा घर आप देख सकते हैं। नहीं अरे 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 पैरिस का जरा इधर चिक लड़की है, एकदम बदमाश है ये। तो गाइस अभी आपको यहाँ से रूम टूर समझा देता हूँ। ये हमारा बेडरूम, मास्टर बेडरूम, वहाँ से एंट्री है, यहाँ से बालकोनी, पीछे पीछे बालकोनी यहाँ पे, और फिर इधर से ये ड्रेसिंग एरिया है और ये बाथरूम एरिया है। कैसा है ना, मस्त एकदम। और ये रूम है 14x16 का, काफ़ी अच्छा खासा रूम। ये हमारा लॉबी ओपन रहेगा बिल्कुल, यहाँ सीढ़ी आएगी अभी ऊपर की और वहाँ से सीढ़ी एकदम, ये भी बहुत चौड़ा है। फिर वो एक बाथरूम है लॉबी से भी जाने के लिए और उधर स्विमिंग पूल है, चलो वो भी दिखाता हूँ। देखो ये रहा पूल, पूल से इधर एंट्री है और ये बाथरूम है, और एक ये रूम है, इस रूम से इसका बाथरूम इधर है और पीछे बालकोनी भी है उसमें भी। तो तीनों रूम में, तीनों रूम नहीं, ऊपर हम दो ही रूम बना रहे, एक ये वाला रूम और एक वो मास्टर रूम, बाकी वो किचन और डाइनिंग है, बाकी उसको रूम भी बना सकते हैं लेकिन हम रूम नहीं बनाएंगे। ये हो गया सारा सेटअप ऊपर का। आशीष वहाँ कैसे चला गया इतना जल्दी, उधर स्कूटी चला गया। जाओ वो देखो भाई, मंगरुआ भाग गया। और वो है पेट्रोल पंप HP का, कितना सुंदर। और ये दिल्ली चला जाएगा और यहाँ से सीधे 30 किलोमीटर में आप हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे। तू तो मोरे में हैरान रह लो, यही पता कहे नहीं तो कहे लो। तो गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है, ऐसे चलने में मज़ा आता है, घर बनता था। ये देखो ये 5 लेयर है, इसमें पानी गर्म का गर्म ही रहेगा, ठंडा का ठंडा ही रहेगा, और दोनों टंकी को यहाँ कनेक्ट किया गया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुका है और आज तो सुबह मुझे इतनी जल्दी उठना पड़ा, सुबह सुबह रेत का डंपर आ गया था तो रेत गिरवाया। और आज मिस्त्री वैसे आने वाले नहीं थे लेकिन सब आए हुए हैं, मतलब कम ही आए हैं आज लेकिन आए हुए हैं। तो मैंने, मेरा गला रात को इतना ख़राब हो गया था, रात के 12-1 बजे मनीषा को बोला मनीषा काढ़ा बना के दो, वो पियेंगे। मनीषा ने काढ़ा बनाया और फिर सुबह सुबह भी मेरे को देखो कितना मस्त खुशबू आ रहा है काढ़ा बना करके दी हुई है। अभी चलते हैं, पहले काढ़े को पीते हैं और उसके बाद से फिर आगे अपना जो भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे, बने रहना आप लोग। मनीषा अंदर गई अभी किचन का काम वाम करने। इनको देखो गाइस, ये लड़की अभी किचन में खाना वाना बना रही थी, मैं प्लॉट से आया हूँ और मुझे लगा कि खाना बना चुकी होंगी, ऐसे मैं पूरी सब्जी खा के गया हूँ। जल्दी आ गए क्या, दाल फ्राई कर रहा, सब्जी भी काट कर रखा, बस सब्जी बनाना है। तो आलू को मुझे आप गरम खाते हैं ना, तो मेरा कितना ख्याल रखा जा रहा है, खाना पीना जैसे हो जाएगा। रहने दीजिए, बाप रे बाप, तो खाने पीने का बस इंतजार है गाइस। वैसे एक बात बताऊं, इतना हम लोग घूमते फिरते हैं ना, कहीं कहीं जाते हैं लोग, कहीं भी जाके खाना पीना, और एक जो यहाँ घर में बराड़ा में बैठ के खाने का सुकून है ना, वो नेक्स्ट लेवल फीलिंग है। मतलब बेशक जैसा भी खाएं बड़ा अच्छा लगता है। गिरा, अच्छा सीटी मार रहा है कुकर, अभी दाल भी चढ़ा के आई है। सब्जी काट रहे थे, इस साइड कुकर था, इस साइड चावल रखे थे। तो और क्या हुआ ना,
केक काट रहे थे और एक ही बार ऐसे उस दिन के जैसा हो गया था अभी। हाँ, ऐसे ऊपर फेंकने लगा। अब हम सोचे भागे, कोई था ही नहीं ना आशीष था ना आपसे। बोले यार क्या कर, भागेंगे तो और फैलेगा, गंदगी फैल जाएगा, साफ करना पड़ेगा हमको। और समझ में नहीं आया था क्या करें। फिर हम जाके जल्दी से गैस बंद किए, उसके बाद भी फेंक रहा है ऊपर से। तो हम क्या किए कि उसको उठा के हिम्मत से और उसको साइड में रख दिया था, तब चुप हो गया। सिटी मारता तो मनीषा का हालत खराब हो जाता है, थोड़ा डर में लगती है। नहीं वो उस तरह, और सब्जी छौंकते टाइम भी डरती है थोड़ा सा। वो उस तरह सिटी नहीं, वो थोड़ा कुकर का ना रबड़ खराब हो गया इसलिए फेंक रहा था। जिस तरह एक बार और खराब हुआ था तो इनको चोट लगी थी, उससे कोई भी डर जाता है। अभी चलते हैं माना को लाने, क्योंकि माना आ जाती है तो अलग। ये आज पूरा धुला हुआ है घर, माना को देखते हैं माना आ जाती है। जेरी को देखो पहले, जेरी क्या कर रहा है। जेरी व्हाट आर यू डूइंग? ओ नो 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 नो। जेरी खूब खेलता है और मजा भी आता है। माना को बुला के लाते हैं, उसके बाद देखते हैं माना भी आ रही है कि नहीं, क्योंकि ये लोग गए हुए थे ना कहीं शादी वादी में, तो अभी सब आए हुए हैं। ये कन्नू भैया हमारे शादी में गए हुए थे। मैं पूछा मजा आया शादी में, पता है क्यों मजा आया? कह रहा है कि वहां पे भी मेरे को कोई दिख गई थी। कौन दिखी थी? आइसक्रीम। आइसक्रीम दिख गई थी? अच्छा चलो ठीक है, मुझे लगा कोई और दिख गई। तुम्हें शादी तो नहीं करना? क्यों शादी करनी होगी भाई, अब तुम्हारे लिए भी लड़की ढूंढेंगे। आपकी मेरी तो होगी खत्म। नहीं दोबारा करवा देंगे। दोबारा क्यों करेंगे? तुम्हारी करवा दे तीन चार हैं। जिंदगी अच्छी हो जाएगी तुम्हारी शादी के बाद। चलो मैं मम्मी से बात करता हूँ, फिर ढूंढू तुम्हारे लिए लड़की। भानु दीदी ये कह रहा है मेरे लिए लड़की ढूंढो। सच बोलूं? गाइस यहाँ पे माना आ चुकी है और माना हो रही है तैयार। माना की मम्मी रेडी कर रही है। माना एंड मॉम माना एंड मॉम, मॉम एंड माना नहीं, माना एंड मॉम। माना चल। माना कहाँ गए थे आप मेरे को छोड़ के? बताओ कहाँ गए थे? शादी में गए थे? बोलो भैया शादी में गए थे। कहाँ गया था कुकड़ी बताओ? बाल नहीं खराब करने अब। चलो आ जाओ 1-2 करेंगे। जाओ खेलो भैया। करना 1-2? पहले बताओ, पहले बोलो। नहीं बोलोगे तो जाओ, मैं जा रहा हूँ। हाँ इसको फिर चॉकलेट भी मत ला के देना। हाँ कुछ नहीं, बोलो 1-2 करना है आपको। क्या करना है? क्या करना बताओ? 1-2 पहले बोलो। सचिन भैया जोर से बोलो। चिढ़ा रही है ना? हाँ। गंदी बच्ची है, मत चिढ़ाओ। अभी अभी आपकी वीडियो डाल दूंगा, चिढ़ाओगे तो। चिढ़ा ली है ना? क्यों चिढ़ा रहे हो आप माना को मेरी? है ना माना गंदी बच्चू है। कूदूंगा। चलो 1-2 खेलते हैं हम। नहीं क्यों उस साइड कर रहे हो? ये माना का बेड है, आपका बेड वो है ना? चलो आ जाओ पिट्ठू, आ जाओ घूमी चलते हैं। आ जाओ। तो गाइस यहाँ पे माना आ गई, अब तो मजा आएगा, बहुत मन लगेगा। माना पीछे जाओ। चलो 1-2 करे, आ जाओ। 1-2 के नाम पे एकदम तेजी में आ रही किसी का। चलो ए माना तू अंग्रेज है? इन्ना गोरा चिट्टा होता है कोई ना? क्यों कहता है इन्ना गोरा कोई होता है ना? क्यों हो आप इतने गोरे? आप टूथपेस्ट से नहाते हो? हाँ? टूथपेस्ट से? हाँ। तभी आप सफेद हो गए हो ना? हाँ, हाँ तो ये टूथपेस्ट से नहाती हैं इसीलिए सफेद हो गई हैं, है ना मानू? माना आप मेरे को छोड़ के क्यों चले गए थे? मैं खूब रोया था। चलो 1-2 करते हैं बाहर। मेरे घर चलोगे? मैं तो चलो घूम के आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो गाइस तो इसको माना को घुमाते हैं अपने घर। ये भी भाग गई थी दोस्तों। माना सारे खिला दे। माना को चिज्जी मिल गई। इसमें रख दो, रख के दे दो, अपने घर ले जाएगी। इसको दोगी? अरे इसको मत दो, यही खा लो, ये मैं दूंगी। देखे क्या बोले, बुर समझ आए करे। ठीक है
अभी अभी देखिए कितना निकाले, कहेगी एक नोना के लिए, एक कन्नू के लिए। अगर नहीं अभी खोलेगी उसको, खोल के देखेगी, टुट्टू होगी। मेरे को ये नहीं समझ आता कि दुनिया के सारे बच्चे ना क्रीम बिस्किट को ऐसे दो भाग में खोल के उसकी क्रीम पहले खाते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? माना ब्लू ब्लू खाने के लिए, ये ब्लू वाला जिम जैम अच्छा खा लो। नहीं वो टूट गया तो मैं नहीं खाऊंगी, जा बच लागे टूट गया। नहीं टूट गया, मैं आपको खिला दूं ब्लू ब्लू वाला, ये वाला ब्लू ब्लू खिला दो, रुक जाओ आप ही दे रहा हूँ बेटा। तो गाइस फाइनली माना हो चुकी है मस्त अपने बिस्किट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।